जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। नहीं बनना रे किसी को तेरा शौहर, नहीं बनना निबियो की उस्ताद, नहीं बनना किसी को। थामा थामा थामा, ओए जंगली झिंगर तू कहाँ जा रहा है भाई कार से, वो भी चांद पे? अबे यार चांद है वो चांद। हमको जिंदा मत छोड़ो साला। जी आंटी जी, तोड़ दिया है चांद को, और जितनी बदतमीजी चांद तोड़ने में दिखाई गई है ना, चंदा मामा नहीं माफ करेंगे इसको। चंदा मामा क्या, जनता माफ नहीं करेगी इसको। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे टीवी सीरियल्स में फैले हुए क्रिंज के बारे में। मतलब पता नहीं क्या फूंक के ये अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं टीवी सीरियल्स में। मतलब भाई टीवी सीरियल देखने के बाद ना यही लगता है कि पता नहीं कौन से लेवल के नशे करते हैं ये। इंडियन टीवी सीरियल जहाँ पे हर रोज ही फंक्शन हो रहा होता है, इंडियन टीवी सीरियल जहाँ पे बच्चों को भी इज्जत मिलती है, इंडियन टीवी सीरियल जहाँ पे हर हफ्ते ही शादियां हो रही होती हैं एक ही इंसान की अलग अलग लोगों के साथ। साले कुत्तों की जिंदगी, मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा। वाह मेरे जंगली झींगर, क्या जोर लगा रहा है। लेकिन हाँ ध्यान से लगाइए जोर, चांद का तो पता नहीं वो नीचे आएगा या नहीं आएगा, कहीं पीछे से कुछ नीचे ना निकल जाए। वाह बेटा, सारी औरतें घर की लगा ली हैं चांद को खींचने में, अब तो ये खींच के ही मानेंगे। अब तो इनका मेन्यू भी डिसाइड हो गया है, इनके घर में आज बनेगा चांद की सब्जी, और जो ये खाएंगे तारे की चटनी के साथ। चांद का टुकड़ा मैं ढाया। रुको जरा, सबर करो। आपको चांद के टुकड़े और एक कद्दू में फर्क नहीं नजर आता है क्या? तोड़ तोड़ो चांद, मिल गया ना कद्दू और तुम्हारा बन गया। जो जो समझ गए वो कमेंट में बताओ क्या बन गया झिंगूर का। जाओ ये कद्दू दो उनको जो आपको पीछे सपोर्ट में लगी हुई थी चांद को खींचने में। चांद को क्या बेसिकली कद्दू ही खींचा है आप लोगों ने, तो ताकि वो इस कद्दू की खीर बना के खा सकें। तो अब हम आते हैं ऐसे सीरियल के ऊपर जिसके साथ आते ही हो गया, मतलब लॉन्च हुआ हो गया, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। भाई अब ये मत सोचने लग जाना कि कम से कम इस सीरियल में तो लॉजिक का इस्तेमाल किया गया होगा। ना नेवर, नको लॉजिक से तो इनका कुछ लेना देना ही नहीं है। जिस उम्र में, जिस बाली उम्र में हमारे यहाँ बच्चे शादी ब्याहों में इधर से उधर फुदकते घूमते रहते हैं ना बिना ही मतलब, कभी यहाँ नाच रहे हैं कभी वहाँ नाच रहे हैं, एक आदमी को छोड़ना पड़ता है उनके पीछे के भाई इस बच्चे का ध्यान रखियो, उस उम्र में उस बाली उम्र में ये लौंडा अपने से कई साल बड़ी लड़की को स्टॉक कर रहा है। राजकुमार ने देखियो कि बादलों के पार सु एक परी उसकी ओर आ रही है। ये तो अपनी बिग बॉस 15 की तेजा है। वाह अब समझ में आया बिग बॉस 15 में इतना क्रिंज की फैला रही है तेजा, तेजस्वी प्रकाश। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मतलब एज में इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन खाने के अलावा किसी भी चीज को देख के मेरा इतना बड़ा मुंह नहीं खुलता जितना बड़ा इस कबूतर ने खोल रखा है। भाई ऐसा ना हो कि कहीं ये परी तेरे मुंह के अंदर ही ना महल बना डाले अपना। ये बिग बॉस कंटेस्टेंट तेजा आंखों ही आंखों में ऐसे फेस एक्सप्रेशन दे रही है जैसे इससे पूछ रही है भाई मेरा वजन उठा लेगा, कहीं मेरे नीचे पिचक तो नहीं जाएगा तू। तो पाया कि राजकुमार ने अपनी बहादुरी से उस भालू को मार गिराया है। वाह
ये हैं हमारे खतरों के खिलाड़ी, जो एक छोटे से कॉकरोच से भी डर गए। और वो जरा सा झिंगूर अपने भाई बंधु को उठाया उसने और फेंक भी आया। वाह रे नीली छतरी वाले, तेरी महिमा अपरंपार रे। क्या आप हमसे शादी करेंगी? कर लेते हैं हम आपसे शादी। बिचारी ने वैसे मजाक में ले लिया, पर इसको ये नहीं पता ये मजाक इसे कितना भारी पड़ने वाला है खतरों के खिलाड़ी को। हमें दिया से शादी करनी है। और यहाँ तक के लड़के के पिताजी ने भी। रतन कुमार साहब, खून होली खत्म होने के बाद हम आपकी शादी की बात शुरू करें। और लड़की के पापा ने भी मजाक में ही ले लिया। पर हुआ तो वही जो ये छोटी सी गुठली चाहती थी। ये पीपनी जो आवाज सुन रहे हैं ना, ये पीपनी उनकी शादी में नहीं बज रही है, ये इनके दिल में बज रही है, क्योंकि इन्होंने ही इस मुस्टंडे को इस लड़की के लिए ढूंढा था। लेकिन बेचारी की किस्मत, हाय रे, मजाक मजाक में ये लौंडा खेल गया। ये गुठली पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह उसके गले तक पहुंच जाए ताकि ये माला उसके डाल सके। लेकिन ना, इसको नहीं पता कि इसको तो कुतुब मीनार पर चढ़ के ट्राई करना चाहिए एक बार, शायद वहां से काम बन जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि इस गुठली की इस खतरों को खिलाड़ी से शादी करा दी गई। हे भगवान, बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है ये भी। इसकी मम्मी और इसके पापा जा रहे थे गाड़ी में, जिसे धमाके के साथ उड़ा दिया गया। अब इसके पिताजी तो किसी तरीके से बच गए, लेकिन मम्मी जी चली गई। अब इसके पिताजी ने किया इमोशनल अत्याचार। अब दिया बैसा की शादी रतन बन्ना से करवा दीजिए। पिछले दो दिनों में दो बार दिया बैसा ने रतन बन्ना की जान बचाई है। भाई, वफादार नौकर, इन सब रिश्तों की सीमाएं होती हैं। सिर्फ एक पत्नी का प्यार है जो सारी सीमाएं लांघकर यमराज से भी अपने पति की प्राण वापस ला सकता है। पति को तो देखो, मेरे हिसाब से तो उसे चाय की पत्ती घोषित कर देना चाहिए। और वैसे एक बात बताओ, अगर जान को खतरा है तो भैया बॉडीगार्ड रखवाओ, शादी कौन कराता है बे। कमाल की बात तो ये देखो शादी करा किससे रहे हैं, जिसको खुद कॉकरोच से डर लगता है, हमारी खतरों के खिलाड़ी। और यहाँ इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन किसी ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि उस चाय की पत्ती से जाकर ये पूछ ले क्या तुझे पति बनना है। ना, नजरें ना हटेंगी, नजरें तो ऐसे ही गड़ी रहेंगी। फेविक्विक का मजबूत जोड़ है भाई साहब, ये ना हटेंगी। ये सीरियल ही इसी कारण से बंद हुआ है। क्या था, मेकर्स चाहते थे कि ये फैमिली टाइम पे आए, ताकि सारी फैमिली एक साथ बैठ के पूरा सीरियल देख सके, और उनकी जरा जरा से जो गुठलियां घर में घूमती हैं वो भी बोले पापा पापा हमारी भी थाली तला दो। क्या सच्ची आपको नहीं पता था ये सीरियल बंद हो गया? ये कब का बंद हो चुका है। लेकिन डोंट वरी, ये मेकर्स भी ना बड़े होशियार हैं, क्योंकि ये इसको नए रूप में ले आए। भाई मत लिखो, भाई मत लिखो, प्लीज मत लिखो, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखिए तो वीडियो तो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करिए, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अभी के अभी ऑन करिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको बराबर मिलते रहें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कौन से सीरियल का क्रिंज आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, चांद का टुकड़ा या कद्दू। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लिखेंगे हम रिश्ते की नई कहानी। We'll be right back.